उत्तराखंड सरकार ने एक ओर जहां सभी सड़कों को लेकर गड्ढा मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर शासन के आदेश जारी होते ही जनपद उत्तरकाशी में लगातार आदेश का पालन भी किया जा रहा है। मगर जिस तरह से NH 34 पर प्रधानमंत्री सड़क योजना में लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढे में मिट्टी डालकर बजट को ठिकाने लगाया जा रहा है, तो वहीं NH 34 पर कॉन्क्रीट पत्थर की जगह पर मिट्टी डालकर बॉर्डर रोड पर संबंधित विभाग द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। वहीं जब इस विषय में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। बता दें, उत्तरकाशी का पूरा मामला है जहां NH 34 पर कंक्रीट पत्थर की जगह पर मिट्टी डालकर बॉर्डर रोड पर संबंधित विभाग द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। रोड की मरम्मत कार्य ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से रोड पर वो मिट्टी डाली जा रही है और इसको रोड को सही तरह से रिपेयर नहीं किया जा रहा है जैसा इसे किया जाना चाहिए था। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं हम उत्तरकाशी से। ये मामला लगातार उठ रहा है। ये NH 34 है, यानी नेशनल हाईवे 34 की आप हालत देख सकते हैं किस तरह से। नेशनल हाईवे की अगर ये हालत है तो शहर और कस्बों के छोटे छोटे गलियों की क्या हालत हो सकती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढे में मिट्टी डालकर बजट को सिर्फ ठिकाने लगाया जा रहा है, बजट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो वहीं NH 34 पर कंक्रीट पत्थर की जगह पर मिट्टी डालकर बॉर्डर रोड पर संबंधित विभाग द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। वहीं इस मामले में जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। अधिकारियों का भी इस मामले में कुछ कहना नहीं है, वे इस मामले में लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं, वे मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं।